कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो हमारी वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही। कि कभी मुसलमान अगर बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते, मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर जहां एमआईएम का नाम आ जाएगा, अरे देखो वो कर लिए, ये कर लिए। अरे शिवसेना सब, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेकुलर है या नहीं है बताओ, तो बोलेंगे नहीं बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है। अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ लिया इलेक्शन तो क्या करेंगे, ये मेरे स्टेटमेंट को याद रखना आप, आज के दिन क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को। और आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फखर से बोलता है कि हाँ हमारे शिवसैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे, आप एक लफ्ज नहीं बोलते आप, क्यों? सत्ता होना, ताकत होना, मिनिस्टरों का सवाल है, ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे फिर ये लोग?